नमस्कार, रोजाना किचन में आपका स्वागत है। मैं अनीता आपके लिए वाटरमेलन जूस की रेसिपी लेके आई हूँ। तारबूज के जूस बनाने के लिए एक तारबूज ले लेते हैं, उसे काटना बहुत ही आसान है। मैंने इस तरह से काटा है, आप अपने सुविधा अनुसार काट लें। वाटरमेलन जूस के लिए मैंने ये सामान लिया है। अब मिक्सी ग्राइंडर में तारबूज के टुकड़े को डाल देते हैं। इसमें चीनी अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। इसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ता और 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक डाल देते हैं। अब इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। इसे एक स्ट्रेनर से छान लेते हैं। छने हुए जूस में एक नींबू का रस डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। एक प्लेट में एक चम्मच चीनी, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ग्लास के टॉप में नींबू का रस लगा देते हैं। चीनी नमक के मिश्रण को इस तरह से लगा देते हैं। मैंने डेकोरेट करने के लिए लगाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा ग्लास रेडी हो गया है। चलिए अब जूस को ग्लास में डाल देते हैं। इसको आप चाहें तो अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिया है। अब इसे सर्व करें, इन्जॉय करें, अच्छे कमेंट्स दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।